इन दिनों बिहार के कई जिलों में 11 साल बाद होमगार्ड भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट हो रहा है। ऐसे में जहां कई अभ्यर्थियों की उम्र निकल गई है, तो वहीं कई उम्र के आखिरी ढलान पर हैं। कई लोगों ने तो नौकरी की उम्मीद छोड़ किसी अन्य काम में भी लग गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि कई अभ्यर्थियों के बेटे अब होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच बिहार के जहानाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहानाबाद में होमगार्ड भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट चल रहा है। यहाँ हर दिन लगभग 1200 अभ्यर्थियों को दौड़ने के लिए बुलाया जा रहा है। हालांकि इस दौड़ में मात्र 400 से 500 अभ्यर्थी ही उपस्थित हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि कई लोग अब नौकरी की उम्मीद छोड़ किसी अन्य काम में लग गए हैं, तो कईयों की स्थिति अब दौड़ने लायक नहीं है। हालांकि जिले में होमगार्ड बहाली के चौथे दिन तो एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसे सुनकर आप भी तंग रह जाएंगे। दरअसल मामला ये है कि होमगार्ड फिजिकल टेस्ट के लिए एक शख्स अपने पिता की जगह ही दौड़ने पहुंच गया। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जहानाबाद के एरोड्रम स्टेडियम में हो रही होमगार्ड की शारीरिक जाँच परीक्षा के दौरान सोमवार को यह मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार लड़का अपने अभ्यर्थी पिता को होमगार्ड बनाने के लिए अवैध ढंग से ग्राउंड में प्रवेश कर गया था। नगर थाना पुलिस की माने तो गिरफ्तार युवक का नाम सोनू पासवान है, जो कि जहानाबाद के घोसी थाना इलाके के छतोई गांव का रहने वाला है। उसके पिता रामाधार पासवान ने होमगार्ड भर्ती के लिए अप्लाई किया था, लेकिन पिता के बदले बेटा ही अवैध ढंग से दौड़ प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए ग्राउंड में पहुँच गया था। बिहार गृह रक्षा वाहिनी की जिला समादेष्टा प्रभा कुमारी ने भी इस मामले की पुष्टि की। दरअसल सोमवार को जिले के घोसी प्रखंड क्षेत्र के कुल 1262 होमगार्ड अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक जांच की परीक्षा आयोजित हुई। इसमें 467 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। होमगार्ड की बहाली के लिए छतोई गाँव के निवासी रामाधार पासवान भी एक अभ्यर्थी थे। रामाधार ने चेकिंग के दौरान चेस्ट नंबर पहले हासिल कर लिया, उसके बाद जालसाजी के तहत अपने बेटे सोनू को वो नंबर दे दिया, लेकिन टाइट व्यवस्था की वजह से सोनू और उसके पिते के मंसूबे पर पानी फिर गया। बाप के बदले बेटा फर्जी अभ्यर्थी बनकर दौड़ लगाने के लिए ग्राउंड में प्रवेश भी कर गया, लेकिन ग्राउंड में बायोमेट्रिक जांच के दौरान फर्जी अभ्यर्थियों को वहाँ मौजूद कर्मियों ने पकड़ लिया। सोमवार को घोसी प्रखंड क्षेत्र के अभ्यर्थियों की हुई शारीरिक जाँच में 57 अभ्यर्थी सफल हुए। आपको बता दें कि सोनू अकेला नहीं है जिसकी कल गिरफ्तारी हुई, बल्कि रेप केस में फरार एक और आरोपी भी दौड़ लगाने के लिए ग्राउंड में पहुंचा था, जिसे महिला थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि होमगार्ड फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया भी 22 जुलाई तक चलेगी। बिहार इन शॉर्ट्स के लिए राजकमल की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।